भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कई बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को टक्का देने की तैयारी कर ली है अंबानी ने डिजिटल सर्विस होल्डिंग कंपनी को बनाने के लिए 24 बिलियन डॉलर एक दशमलव छह लाख करोड़ रुपए का एक प्लान पेश किया है इसके चलते भारत में ऑनलाइन में दबदबा बनाने की कोशिश की जाएगी जियो कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर वी श्रीकांत ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि साल 2019 के 30 सितंबर को जियो पर करीब चौरासी हजार करोड़ का कर्ज़ था जो कि इस साल की सितंबर तिमाही में जियो का प्रॉफिट नौ करोड़ रुपये था वहीं कुल रेवेन्यू बारह करोड़ रुपए था बता दें कि मुकेश अंबानी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है उनके इस खुलासे को लेकर उद्योग जगत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं मुकेश अंबानी का कहना है कि मुझे कभी बिजनेस में रुचि नहीं रही पिताजी के कहने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ में जुड़ा मैं वर्ल्ड बैंक के साथ काम करना चाहता था और बाद में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता था मैंने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आपसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.